Hey guys, welcome back to our channel. You are watching Rahul Puruthi Vlogs and I am your friend Rahul Puruthi. Keep watching, keep subscribing, keep commenting. Don't forget to subscribe this YouTube channel. Also press the bell icon for regular notification, friends. Friends, इस तरह के मस्त व्लॉग आपके लिए बनाता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ दिल्ली के अंदर कहाँ कहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मास्टर शेफ इंडिया के ऑडिशंस आ चुके हैं और आज है दिल्ली के अंदर ऑडिशंस. तो दिल्ली जहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं वहाँ पे लोकेशंस पे पहुँच चुके हैं. हैप्पी मॉडल स्कूल की लोकेशन है और यहाँ पे जनकपुरी में एक काफ़ी यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं ऑडिशंस देने. अपनी अपनी डिश लेकर आए हुए हैं. कुकिंग के अंदर जो मास्टर्स हैं, घर में जो होम के मास्टर्स हैं, वो आज अपना जलवा दिखाने आए हैं. तो आज आपको दिखाएंगे और लोगों से भी पूछेंगे कि वो आज क्या डिश बना के लाए हैं और अंदर वो किस तरह जजेस को इम्प्रेस करने वाले हैं. और इससे पहले मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो. तो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पे ऑडिशन देने आए हैं. तो हम लोगों से बात कर रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं, वो आज क्या कुकिंग डिश बना के लाए हैं, क्या वो ऐसे टेस्टी खाना बना के लाए हैं जिससे कि वो अंदर दिखाने वाले हैं. तो आज बात करते हैं. तो सर, आपका नाम बताइए पहले. सर, मेरा नाम है रॉबिन. जी रॉबिन, कैसे हैं आप? अभी आई एम फाइन सर. तो आप आए कहाँ से हैं? सर, मैं आगरा से आया हूँ. आगरा से आया है? तो आगरा यहाँ पे ऑडिशन देने आया हूँ. हाँ सर, आगरा से दिल्ली ऑडिशन देने. तो क्या बना के लाया हैं आप? सर, मैं एक केक बना के लाया हूँ और उसका केक का नाम है क्रंची केक. क्रंची केक? हाँ, क्योंकि वो उन्हें आटे से बनाया हुआ, क्योंकि गेहूं के आटे से बनाया हुआ, क्योंकि मतलब केक हमेशा विप क्रीम से बनाया जाता है, उससे मतलब वो फैटी होता है, पिघल जाता है, उसको मैंने क्रंच करा हुआ है. और देसी घी में मतलब आटे को जैसे सोते करके जैसे कड़ाव हलवा बनाते हैं ना, कड़ाव हलवा, तो उसी टाइप में मतलब मैंने बनाया ताकि सेहत को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम जो खाते हैं, क्योंकि हम अच्छा खाएंगे तो अच्छी सेहत होगी और लॉन्ग टाइम चलेंगे. तो केक के बारे में हम सुनते हैं कि केक ऑलमोस्ट क्या नॉन वेजिटेरियन भी होता है. हाँ यार, ये क्या कौन सा एगलेस है? नहीं नहीं, ये प्योर वेज है. प्योर वेज केक है? प्योर वेज है, 100% वेज है. क्या आपने कहीं से सीख के बनाया या कुछ अपनी? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, कहीं से कोई ट्रेनिंग ली है, लेकिन हाँ ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. मतलब घर में ऐसे ही कड़ाव हलवा हम बनाते हैं तो वही मतलब दिमाग में आया कि कुछ डिफरेंट चाहिए. सीजन 6 है तो उसके हिसाब से सर एक्चुअली, तो इसलिए मतलब कुछ नया करा है. ठीक है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे मास्टर शेफ में आने से पहले आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आपके माइंड आप कुकिंग कब से कर रहे हैं? सर, कुकिंग तो मैं बट 2-3 साल से कर रहा हूँ और मतलब जॉब करता हूँ. इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया कि कुकिंग जैसी फील्ड के? मतलब कुकिंग में एक्चुअली मतलब सर हालत और मजबूरी ने सिखा दिया, क्योंकि हाँ क्योंकि वक्त ऐसे था, हालत ऐसा सर, तो सिखा दिया सब. करते हैं कुकिंग सर, अब सीख रहे हैं सर. जॉब किस चीज़ की कर रहे हैं? सर, रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ. एक आगरा में रेस्टोरेंट है, वहीं पर मतलब. क्या कुकिंग करते हैं? कुकिंग मतलब कुकिंग नहीं, शेफ नहीं हूँ मैं, कुक नहीं हूँ मतलब, लेकिन सीख रहा हूँ अभी, तो बहुत कुछ सीख रहा है. यस सर, मतलब आपको लग रहा है कि इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है? यस यस, कर सकते हो अंदर. तो बेस्ट ऑफ लक यार, आप जरूर सिलेक्ट हो गए अंदर. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच. तो फ्रेंड्स, मेरे साथ एक मैम जुड़े हैं, यहाँ पे ऑडिशन देने आए हैं, वहाँ अपनी एक डिश बना के लाए हैं यहाँ पे जजेस को इम्प्रेस करने. तो मैम से हम बात करते हैं. तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. थैंक यू. मैम, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए. रूपा दास. रूपा दास जी, तो आप आए कहाँ से हैं? गुड़गांव से. सॉरी, गुड़गांव. गुड़गांव से. तो आप कब से प्रिपरेशन कर रहे थे मास्टर शेफ इंडिया ऑडिशन के लिए? एक्चुअली मैं और 2 बार ऑडिशन दे चुकी हूँ. ओके, बस ये 3rd टाइम ऑडिशन है मेरा. अच्छा, 2 बार पहले दे चुके हैं. कौन से सीजन में दिया था? मैंने फर्स्ट दिया था और 3rd दिया था. फर्स्ट और 3rd, और ये सीजन 6 है अब. हाँ, तो अभी क्या लगता है, हो जाएगा? पता नहीं, प्रिपरेशन तो अच्छे से करके आई हूँ. डिशेज की कौन कौन सी सिलेक्शन रहनी चाहिए यहाँ पे, अगर सिलेक्ट होना है तो आपके अकॉर्डिंग? आप 2 दे चुके हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा. ओके, कि ऐसी कौन सी डिशेज सिलेक्ट करनी चाहिए यहाँ पे ऑडिशंस के टाइम पे? एक्चुअली डिशेज जो है ना, आप टेस्टी बनाओ जी, और प्लेट में जब सर्व करोगे जी, थोड़ा कम पोर्शन में सर्व करोगे जी, डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए एंड लुकिंग गुड, और टेस्ट तो है ही. सो ये मेरे ख्याल से ये होना चाहिए बस सिलेक्ट होने के लिए. और नाम रखना चाहिए, और अलग नाम रखना चाहिए, नाम रखना चाहिए डिश का. तो आपके अकॉर्डिंग जो डेकोरेशन होती है खाने की, वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है एक खाना जब सर्व करते हैं? काफ़ी ज़्यादा रखते काफी हैं. काफ़ी ज़्यादा. तो जजेस के सामने, अब आप समझ रहे हैं कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, तो जो लोग बना के लाए होंगे उनका खाना ठंडा भी हो जाएगा, तो एक क्या चीज़ होती है कि उनको क्या क्या प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि एक फ्रेश भी रहे खाना और अंदर जाके वो जो टेस्ट बना के लाएँ घर से वो उनको मिल भी सके जजेस को, जिससे कि वो सिलेक्ट हो पाएँ? जैसे कि फ्राइड चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, नहीं चाहिए. और जैसे कि आप बिरयानी ला सकते हो, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोवेव मिल जाता है गर्म करने के लिए. स्वीट डिश ला सकते हो. स्वीट डिश, ओके. हाँ, और जैसे कि आप
उस आप ना वहाँ पे घर से गार्निश करके मत लाओ, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप अलग अलग करके बना के लाओ, उसके बाद यहाँ पे आके कम्बाइंड करो आप। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे 5-6 मिनट मिल जाता है डेकोरेशन के लिए, सो ये चीज़ तो है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक हमारी टीम की तरफ से, आपको आपका जरूर सिलेक्शन होगा। ओके थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैम मैं नोएडा से आई हूँ। नोएडा से मैम, तो मैम आप पहली बार ऑडिशन देना है? इससे पहले मैं इससे पहले भी दिया था, लास्ट अभी 2017 में जो हुआ, फिफ्थ सीजन था इसका। तो मैम इसमें कौन सी डिशेज प्रेफर करनी चाहिए, मतलब एक ऑडिशन के टाइम पे? नहीं, व्हाट एवर यू लाइक, व्हाट एवर यू कैन, यू आर एक्सेल इन दैट डिश, दैट जस्ट इट। ऐसा कुछ रहता है क्राइटेरिया कि आपने कुछ टेस्टी? ऐसे कुछ नहीं है, कुछ भी बना सकते हैं, दलिया पोहा कुछ भी? हाँ कुछ भी बना सकते हैं, इवन केक, बेकिंग आइटम ऑल्सो यू कैन, डिश ऑल्सो यू कैन ब्रिंग, सो ऐसा कुछ नहीं है। आप कुकिंग में आपका इंटरेस्ट कब लगा कि मेरे को इसमें जाना चाहिए मास्टर शेफ इंडिया के अंदर? मींस आई लव कुकिंग, माय पैशन इज टू कुक, ओके, एंड ऑलवेज आई मेक न्यू रेसिपीज, आई मेक माय ओन रेसिपीज, सो आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी टू शो माय टैलेंट, दैट इज द थिंग, दैट वाज माय इंटेंशन। ओके, इट्स नॉट दैट लाइक टू, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू शो योर टैलेंट, हूएवर लव्स कुकिंग। तो आज कौन सी आपके पास ऐसी डिश है जो अंदर जजेस को इंप्रेस कर देगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको क्या लगता है? I am not going to disclose about my dish. Okay. अच्छा इतना बता दीजिए, मीठी डिश है या नमकीन है? No, it's a नमकीन dish, non-veg dish. But last fifth season, I made that na that paneer with bengan, and it was an unique recipe. Okay. Okay. Because and I got qualified for the second round. Okay. But after that I couldn't. तो बेस्ट ऑफ लक हमारी टीम की तरफ से, आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। यस सर। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार जायसवाल है। तो आप आए कहाँ से हैं? बनारस से सर। बनारस से आए हैं, तो मतलब आप दिल्ली में कब आ गए थे? दिल्ली में मैं दो दिन पहले आया हूँ। दो दिन पहले। इस ऑडिशन की डिटेल्स आपको कैसे पता चली? ये मेरे दोस्त ने बताया। अच्छा। हाँ, तो 19 तारीख को मतलब कलकत्ता का ऑडिशन हो गया, मेरा छूट रहा था तो मैं घर से भाग कर चला आया। अच्छा, भाग कर? हाँ, लोग मुझे पकड़ रहे थे। अच्छा। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था तो इसलिए मुझे पकड़ रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे वो। जी। मैं पूरी अपनी सामग्री पैक करके रखा हुआ था, किसी को बताया नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती वो फॉलो करने में मैं पूरा छोड़ कर चला आया, एक शर्ट हाफ पैंट पहनकर। तो आप कुकिंग कब से कर रहे हैं? ये मैं कुकिंग 1999 से। हाँ। तो आपको कैसे लगा कि ये आपका पैशन है और इसी में आगे जाना चाहिए? ये मैं सीख रहा था धीरे धीरे, मैं फर्स्ट ऑडिशन देखा था। अच्छा। मास्टर शेफ का। हाँ। तो उसको मैंने देखा, सेकंड वाले मैंने एक्सपीरियंस किया उसका, और तीसरे साल मैंने ऑडिशन दे दिया, उसमें मैं सिलेक्शन हो गया था, मेरा टॉप 15 में आ गया था। हाँ। जज लोग के सामने मैंने ऑडिशन दिया था। ठीक है। हाँ, उन्होंने थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गया मेरे से। जी। मैंने जज लोग को कहा, सर पहले जज करने से पहले ही कहा था सर मेरी से कुछ मिस्टेक हो गई है। हाँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगेन आइए आप फिर से। आपके अकॉर्डिंग आप कौन सी डिश बनाने में ज़्यादा परफेक्ट हैं? हम इंडियन डिश बनाते हैं। इंडियन डिश, नॉर्थ इंडियन? नहीं, इंडियन भारतीय खाना, जैसे शाही पनीर है, बटर मसाला, ये सब पूरे रेस्टोरेंट इंडियन की डिश यही होगी नॉर्थ इंडियन में। तो इसमें ऐसी कौन सा फ्यूजन आप डालते हो कि मतलब वो औरों से अलग बन जाती है वो सब? ये बनती है, ये मैं सीक्रेट है, ये सीक्रेट आपका ये रेसिपी है। यस। तो आप वैसे करते क्या है? वैसे मैं रेस्टोरेंट, मेरा होटल है। कहाँ पे? वही बनारस में, चितगंज पे। अच्छा, बनारस। हाँ। तो तब से आप ये मतलब वहीं डिशेज खिला रहे हैं तो वहाँ पे आप? हाँ हाँ, मेरा श्री राम होटल है। ठीक है। वेजिटेरियन है, नॉन वेज का आज़ाद हिंदू होटल है। ठीक है। हाँ सर। तो आप जैसे इतने ऑडिशंस दे चुके हैं अब तक, तो आपको क्या लगता है एक कोई भी अगर मास्टर शेफ इंडिया में ऑडिशन देना चाहता है तो उसको कौन सी डिश बनानी चाहिए जो कि अंदर भी फ्रेश रहे, कि जब वो जजेस को वो टेस्ट कराएं और वो जजेस को इजीली इंप्रेस भी कर पाएं? नहीं, हम नॉर्थ इंडियन जैसे मैं बना रहा उसी टाइप का बनाएंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो थोड़ा सा बताएंगे प्रोसेस, अंदर क्या प्रोसेस रहता है कि मतलब अंदर गर्म होने के लिए क्या टाइम मिलता है और कितना उसको डेकोरेट करने का क्या टाइम मिलता है? नहीं, आपको पूरी टाइम मिलती है माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए, डेकोरेशन की पूरी टाइम मिलती है, पूरा टाइम मिलेगा। उसके बाद फिर टेस्ट क्या मतलब अपने चम्मच से या मतलब उनका कोई हो रहता है? नहीं, जज लोग बैठे रहते हैं। अच्छा। सेफ लोग रहते हैं। अच्छा। वो करते हैं। अच्छा। वो हम लोग अपना प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है। वो टेस्ट करते हैं, उसके आगे डिसीजन। तो इसके राउंड्स कितने होते हैं, मतलब कितने राउंड्स में जाके बंदा मुंबई वाले राउंड तक पहुँचता है? ये बम्बई वाले कम से कम 6-7 हो जाते हैं। 6-7 हो जाते हैं इसके बाद? 5-6 तो इंटरव्यू मैंने दे दिया है। हाँ हाँ। मैंने 5-6 राउंड पहले बार आया था बनारस से दिया, फिर दिल्ली आया, फिर बॉम्बे आया। हाँ। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी बना के लाए हैं, देखिए डिशेज सबकी सीक्रेट हैं, कोई रिवील नहीं करना चाहेगा, सबकी सीक्रेट डिशेज हैं तो हम भी नहीं चाहते। लेकिन ये बता दीजिए नमकीन है या स्वीट है? नमकीन ही है? नहीं, ये नमकीन स्वीट तो बता सकते हैं।
ये नहीं, ये भी नहीं बता सकते। अच्छा, ये तो नमकीन तो कुछ भी हो सकता है, स्वीट कुछ भी हो सकता है। आप खाइए, डिश खाइए ना। अच्छा, ना नमकीन है ना स्वीट है, आप डिश खाइए। चलिए, हम इनके लिए अंदर दुआ करेंगे, इनका जरूर सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी टाइम से अगर ये यहाँ पे ट्राई भी कर रहे हैं तो इनका जरूर सिलेक्शन होना चाहिए। तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक हमारी टीम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ एक मैम जुड़े हैं जो यहाँ पे ऑडिशन देने आए हैं कुकिंग का, मास्टर शेफ इंडिया के अंदर। तो उनसे हम बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम बता दें। कविता। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो, तो मास्टर शेफ इंडिया के फर्स्ट ऑडिशन है? इससे पहले भी कोई ऑडिशन? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम। फर्स्ट है। तो आपको कब लगा कि आपका ये कुकिंग एक पैशन है और इसमें जाना चाहिए आगे? दो साल पहले। ऐसी कौन सी डिश खिला दी थी आपने? नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, वही बोलते हैं करो करो करो। आपको, आपके अकॉर्डिंग आप कौन सी डिश बनाने में ज़्यादा परफेक्ट है? नॉनवेज, नॉर्थ इंडियन। नॉनवेज या वेज, दोनों? वैसे तो दोनों ही बना लेती हूँ। अच्छा, बट नॉर्थ इंडियन ज़्यादा सही है। नॉर्थ इंडियन ज़्यादा सही है। तो आपको यहाँ पे सारा ऑडिशन का क्राइटेरिया पता था आपको सारा? कोई क्राइटेरिया नहीं पता? नहीं, मुझे इंस्टाग्राम से पता लगा था कि ऑडिशन होना है 22 को। यहाँ पे आने के चार क्राइटेरिया अगर आपको पता है तो? नहीं, एक तो आपके पास दो पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, एक गवर्नमेंट आईडी कोई प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह, और एक आपके पास प्री कुक मील आप लेकर आए होंगे। हाँ, 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 वो ओके, हाँ वो सब तो पता है। सॉरी, पता है ये चार क्राइटेरिया पता ही नहीं है। चलिए, तो आप डिश कौन सी बना के लाए हैं? मेरे नॉनवेज चिकन लेकर खिलाएंगे इनको अंदर। आज क्या मंगलवार है? शेफ लाइन में चलता है। अच्छा, शेफ लाइन में चलता है। नो मंगल, नो वेडनेसडे, कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, आपको क्या लगता है कि एक नॉनवेज तो देखिए हम खाते ही रहते हैं, तो आप ऐसा क्या फ्यूजन उसमें डाल देते हैं कि वो अलग कुछ डिश बन जाती है? वो तो आपकी माइंड क्रिएटिविटी के ऊपर होता है कि आप किस तरह से सोच रहे हो उसके बारे में, और आप क्या अपनी प्लेट में निकालना चाहते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि एक बने बनाए मसाले भी आते हैं मार्केट के अंदर, और एक लोग स्पेशल मसाला बनवाते हैं, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? एक चिकन मसाला बना बनाया मिलता है, और एक उसमें खुद बनाना, क्योंकि जो बना बनाया होता है उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो आप खुद बनाते हो उसमें आता है। जो आप खुद बनाते हो उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, ये मैंने खुद ट्राई करके देखा है वैसे घर पे। तो इस वजह से बोल रही हूँ, हाँ वो खुद बने हुए में और जो बना बनाया मिलता है दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका ज़रूर यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। नॉनवेज जो आप बना के लाए हैं ज़रूर जजेस सेलेक्ट कर लें, और आपके खाने से ज़रूर इम्प्रेस हो जाए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मैम अभी ऑडिशन देकर आए हैं, तो मैम से बात करेंगे कि उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर मास्टर शेफ इंडिया के अंदर। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। मैं रुचि शर्मा, मैंने आज बनाया था कस्टर्ड एप्पल विद पम्पकिन सीड पुडिंग, और मेरा ऑडिशन में बहुत अच्छा रहा जी। जजेस ने मुझसे बहुत अच्छे सवाल पूछे, मैंने आंसर किया अच्छे से, और उन्होंने टेस्ट की मेरी डिश और बहुत खुश हुए। एक्सप्रेशंस कैसे थे? एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे और बहुत ही अच्छे थे जजेस। आपकी डिश काफी सुंदर लग रही है दिखने में, तो ऑब्वियसली बात है कि डिलीशियस भी होगी। हाँ, डिलीशियस थी, और उन्होंने सेकंड टाइम भी टेस्ट किया जी। सो इंग्रेडिएंट्स कुछ नए लगे उनको, तो कुछ नया लगा उनको, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो आप पहले बैच में अंदर चले गए थे या कौन सा बैच था? नहीं, मेरा 7th बैच था। अच्छा, 7th बैच था। हाँ, और ऐसे मुझे PR मिला हुआ था, तो मुझे बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा जी। मुझे जल्दी ही मुझे नंबर आ गया था। मैं, आपका कौन सा ऑडिशन है? फर्स्ट ऑडिशन है? हाँ, मेरा सेकंड राउंड अब क्लियर हो गया, मतलब सेकंड राउंड में अभी बोला है मुझे। अच्छा, कि अच्छा, हाँ सेकंड राउंड आपका क्लियर हो गया। हाँ, नहीं, मास्टर शेफ इंडिया के अंदर आपका पहला ऑडिशन है या? ये मेरा सेकंड ऑडिशन है, मैं मास्टर शेफ सीजन 1 में आई थी, बट मेरा बेटा बहुत छोटा था तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। इस बार मैं थोड़ा प्रिपरेशन के साथ आई थी, बट बहुत लोग हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव डिशेज लोगों ने बनाए हैं, तो लोगों में बहुत टैलेंट है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन सी प्रेफरेंस रहती है, मतलब डिश कौन सी प्रेफर करते हैं ये लोग? एक्चुअली ये लोग कुछ इनोवेटिव डिशेस प्रेफर करते हैं, और प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे कई घर से हाउसवाइफ्स भी हैं, तो वो तो घर वाला खाना, टेस्ट अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, टेस्ट डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल, तभी वो सिलेक्ट हो पाएगी। ठीक है, हम आपके लिए बेस्ट विशेस करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच। एक हमारे साथ एक और पर्सन जुड़े हैं जो अभी ऑडिशन देकर आए हैं मास्टर शेफ इंडिया का, तो उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम बताइए सर। दीपांजोय।
आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं ऐसे हूँ तो आसाम से, बट दिल्ली में रहता हूँ। आपने अंदर कौन सी डिश को टेस्ट करवाई? मैंने चिकन रोलाट पेश किया था। अच्छा, तो किस चीज़ का बनता? मतलब वो चिकन को रोल करके अंदर स्टफिंग डाल के। अच्छा, चिकन रोलाट। हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कैसा लगा, कैसा उनका फेस? वो खाना पसंद आया। अच्छा, बट जैसे शायद मेरी स्टोरी उनको इतनी पसंद नहीं आई तो हुआ नहीं। तो आपका ही पहला ऑडिशन है? इससे पहले भी नहीं, नहीं, चार बार दे चुका हूँ। और पिछले ऑडिशन के सारे दोस्त भी हैं मेरे, मतलब जो टीवी राउंड पे गए थे, छह मेरे दोस्त भी हैं, मतलब जो यहाँ पर हैं अभी। यहाँ पे नहीं, जो पिछले साल पिछले राउंड पे गए थे, टीवी राउंड पे गए थे, छह मेरे दोस्त भी हैं। तो लाइक मैं हर बार ट्राई करता हूँ। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है कि यहाँ पे टोटल जो जजमेंट इनका प्रॉपर होता है? सही है, सही है। इनको इतने लोगों में से जज करना है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ट्रू आंसर है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हमारी गलती तो है नहीं कि इनकी जो सब की, ऐसा नहीं है कि आपने खराब बनाया है या कुछ सही नहीं हुआ। लोगों पर प्रेशर रहता है, बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। अब इतने हजारों लोगों में से अगर छः सात लोग लेने हैं तो मुश्किल होती है उनके लिए, मुश्किल होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा तो हम आप हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका जरूर सिलेक्शन हो इसमें। अगले साल भी आ जाऊंगा। कि ट्राई करते रहना चाहिए, ये लोग भी ट्राई कर रहे हैं, रेगुलर ट्राई कर रहे हैं, तभी कहीं ना कहीं ये सोच ऐसे बना रखी है कि एक ना एक दिन तो जरूर सिलेक्ट होना है। तो बहुत आपको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम, कैसा रहा ऑडिशन आपका? ऑडिशन अच्छा रहा। मैं अमृतसर से आई थी एंड हम लोग साइलेंट सिटीज से ऑलरेडी सिलेक्टेड थे जी। सो वी वर लाइक टॉप 46 इंडिया। ओके। एंड अब यहाँ पे सेकंड टेस्टिंग, दिस वाज ऑलमोस्ट द फोर्थ राउंड वी अटेंडेड। ओके ओके ओके। एंड अच्छा था। तो मैम, आपकी डिश काफी मतलब हाइजीनिक तरीके से आप लेकर आए हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग भी लग रही है। दिस वाज 9 लेयर्ड बटर चिकन लज़ानिया विद हर्ब गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड सब लोग खा गए। okay. और अपना केक मैं चुरा कर लाई हूँ, एक स्लाइस अपनी सिस्टर के लिए। तो काफी मुझे डिलीशियस भी लग रहा है। तो जजेस खा गए सारा? मतलब नहीं, जजेस ने तो थोड़ा सा ही खाया, बट वहाँ पे और फ्रेंड्स बन जाते हैं, सब लोग एक दूसरे की डिशेस टेस्ट करते हैं, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी सिटी से टॉप शेफ्स आए होते हैं, तो सबको टेस्ट करना होता है कौन क्या बना के लाए। आपका पहला ऑडिशन है मास्टर शेफ में? यस, फर्स्ट ऑडिशन है। तो आपको क्या लगता है, हो जाएगा आपका? I don't know. बताएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन है, वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। Let's just hope for the best and fingers crossed. Best of luck for our team, आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। मेरा नाम तान्या। ओके मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से। तो मास्टर शेफ इंडिया के अंदर आपका पहला ऑडिशन है, इससे पहले भी आपने दिया? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट है। तो मैम, डिश कौन सी थी, कौन सी? मैंने बनाया था न्योकी विद व्हाइट सॉस, मशरूम, गार्लिक एंड स्पिनच। अच्छा, तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स रहते हैं मैम? अभी मैंने जो बताया, न्योकी इज मेड आउट ऑफ पोटैटो एंड फ्लावर एंड एग एंड सम स्पाइसेस एंड द सॉस इज बेसिकली वाइट बेस्ड सॉस, सो इट हैज फ्लावर, बटर एंड मिल्क एंड चीज। ओके। एंड विद दैट आई हैड पुट गार्लिक फ्लेवर्ड मशरूम्स एंड स्पिनच। ओके। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मास्टर शेफ इंडिया के साथ? आपका पहला ऑडिशन था, तो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? एज सच वॉज ओके, बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेट कराया, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा वेट कराया, थोड़ा सा मिसमैनेज था। तो अंदर जैसे कुछ, आई थिंक कुछ पानी वानी के लिए भी कुछ सर्विस नहीं है? नहीं, पानी के लिए सर्विस है एंड देयर वाज अ कैंटीन आल्सो, बट नॉट दैट ग्रेट आई वुड से। तो क्या लगता है कि मतलब कि हो जाएगा, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको क्या कह रहे हैं, मतलब कि हो रहा है? हाँ, उनका सो देयर आर टू राउंड्स राइट नाउ। ओके। तो जिनका नहीं हुआ है वो दे आर गोइंग बैक, और जिनका हो गया है वो सेकंड राउंड पर भी जा रहे हैं। ठीक है मैम, होप सो नेक्स्ट टाइम आपका जरूर हो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैम, पहले अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम श्वेता है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। तो आपका मास्टर शेफ इंडिया में पहला ऑडिशन है, इससे पहले भी दिया? नहीं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। पहला है। तो मतलब आप क्या बना के लाए थे डिश ऐसी? मैं चिकन बना के लाई थी, जो हमारी फैमिली में बहुत दिनों से बनता चला आ रहा है जी, वही बना के लाई थी। तो अंदर प्रोसेस क्या था मैम, मतलब आप यहाँ से एंटर किया, आपने क्या क्या प्रोसेस था? मतलब हम यहाँ से एंटर करे तो वहाँ पर हम लोगों को, यहीं पर हम लोग को नंबर्स मिल गए थे। नंबर्स के अकॉर्डिंग हम लोग ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा था, तो उनका नंबर पहले आया था, और जो विदाउट रजिस्ट्रेशन के थे उनका नंबर बाद में आया था। लेकिन अंदर जाकर ऐसा कुछ नहीं था, पहले से हम लोग का तो 1-2-3 से चल रहा था, और वहाँ पर एंड से 310 से ऐसे करके स्टार्ट हुआ था नीचे से। अच्छा। तो हम बीच के थे, तो हम बीच में ही फंसे रह गए थे। अच्छा। तो मतलब नंबर काफ़ी लेट आया, मतलब हाँ, मतलब ये हाँ। तो आप यहाँ सुबह 8 बजे पहुँच गए थे और हमारा नंबर 3 बजे आया। अच्छा, तो आपको ये कब लगा कि ये कुकिंग मेरा पैशन है, मेरे को भी जाना चाहिए ऐसे मास्टर शेफ जैसे ऑडिशन देना चाहिए? तो मैं घर में बनाती रहती हूँ, कुछ रोज़ ही नया नया कुछ भी आता है,
बाहर भी जाती हूँ और घर में जब बाहर कुछ नया ट्राई करती हूँ तो घर में आकर उसको ज़रूर बनाती हूँ और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी खिलाती हूँ। तो हर बार वो मुझसे कहते थे कि तुम्हें मास्टर शेफ़ में जाना चाहिए, तुम उसमें क्यों नहीं ट्राई करती हो। पर जब मैं यहाँ आई तो देखा कि मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे लोग और अच्छे तरह से उन्होंने प्रेजेंट करने वाले थे। नया एक्सपीरियंस था कुछ, अगली बार शायद तैयारी से आऊँगी। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए मास्टर शेफ़ में आने के लिए आपको पता है कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उसी कंपटीशन को आपको बीट करने के लिए आपको बेस्ट टू बेस्ट ही रहना पड़ेगा, तभी नंबर वहाँ पाएगा। हाँ, बीइंग अ हाउसवाइफ कभी हम लोग ने इतना सोच के कुकिंग नहीं करते हैं, लेकिन आप से मैं हर चीज़ सोच के लिख करूँगी कि ये क्यों डाला किससे। आपको पता है यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं एवरीथिंग कि प्याज कितना है, डालना चाहिए, क्यों डालते हैं, क्यों डालना चाहिए। हाँ, तो यहीं पे मास्टर शेफ टेस्ट के लिए है, तो टेस्ट एक एक चीज़ का टेस्ट ये नो चीज़ नोट करते हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने क्वेश्चंस किए थे शायद उसका रिप्लाई मेरे पास नहीं था, इसलिए जो भी आप चीज़ डालें आप उसको क्यों डाल रहे हैं वो ज़रूर सोच के डालें। जजेस के वहाँ पे आपके पास कितनी देर का वो उनका था? आई थिंक 5 मिनट का था। 5 मिनट, कितने जजेस बैठे थे वहाँ पर? शेफ एक ही था और एक साथ उनके साथ एक कोई और बैठा हुआ, वो पंकज भादुरिया जो है मैम, वो तो यहाँ पर नहीं थे। वो नहीं है? नहीं। अच्छा, मतलब है तो पर मेरे उसमें नहीं, पैनल में नहीं है, पैनल में नहीं है। आई थिंक सेकेंड राउंड का वो चेक कर रही होंगे, वो चेक कर रही होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट टाइम आपका जरूर आना, पॉजिटिव रहना चाहिए फ्रेंड्स हमें, और ऐसे कुछ मतलब अगर हमारी सिलेक्शन नहीं भी होती तो हमें रिएक्शन समझ के घर नहीं बैठना चाहिए, दोबारा से और अच्छी प्रिपरेशन करके नेक्स्ट टाइम जरूर तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे, एक लेडी तो आई हैं जो मास्टर शेफ 3 में बहुत ऊपर तक पहुँची थी, उसके बाद उनका एलिमिनेशन हो गया था और वो भी आई थी और उन्होंने कहा कि मैं तब तक आती रहूँगी जब तक मेरा हो नहीं जाएगा। इस तरह का स्पिरिट रहना चाहिए, इस तरह का अगर आपके अंदर स्पिरिट होगा तो आप डेफिनेटली एक ना एक दिन जरूर सक्सेस हो लेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू मच सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरे साथ एक और कंटेस्टेंट जुड़े हैं जो अभी ऑडिशन देकर आए हैं, हम उनसे बात करते हैं अंदर कैसा अरेंजमेंट था। तो मैम कैसा था अरेंजमेंट अंदर? पहली बात तो अंदर किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी ऐसा नहीं है, पानी भी नहीं है अंदर, अंदर लोगों को ऐसे धूप में खड़ा रख रखा है, फिर अंदर जाते हैं उनका जो भी मतलब उनका लेवल है वो लगा के उनको अंदर खड़ा करें। सिर्फ एक अपना एम का लोगों के लिए पार्क में जाके उन्होंने एडिशन का वो करा है, उसके बाद अभी बैठे हैं। अभी 110 चल रहा है और हमारा 10 मतलब हमारा 403 था वो तो रात को 9-10 बजे आएगा, जिससे कि लोगों को पता ही नहीं है कि जो रजिस्ट्रेंट हो, इन्होंने पूरी कंप्लीट अपनी वो दी ही नहीं जो इनको हमें वो देनी चाहिए थी कि डिस्क्राइब करना चाहिए था भाई क्या क्या मेंशन करना है, उसमें वो कुछ भी नहीं दिया हुआ। और आगे जाके उन्होंने यही चीज़ को बोला है कि आप वेट करो, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग तो प्रेग्नेंट भी हैं वो भी भूखे प्यासे अंदर ही बैठे हैं। बताओ तो देखो फ्रेंड्स कि लोग भूखे प्यासे भी अंदर बैठे हैं, तो अंदर अरेंजमेंट कैसा है? बिल्कुल खराब है, मिसमैनेजमेंट किसी चीज़ का भी नहीं है, सब ऐसे ही बैठे हैं एज इट इज़, अपनी डिशेज फ्रिजेस पर रखी हुई हैं, फ्रिज के बाद उनको प्लेटेड भी करके उनको दिखाना है। अभी 110 नंबर है, आप सोच सकते हैं कि मतलब 800-900 लोग हैं, कैसे अंदर जाएंगे और क्या होगा। तो फ्रेंड्स मेरे साथ अभी ऑडिशन देकर आए हैं जो अंदर से मास्टर शेफ इंडिया का, हम उनसे बात करेंगे कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस अंदर, तो हम उनसे मिलते हैं। तो सर आप ऑडिशन हो गया आपका? यस सर। तो कैसा रहा ऑडिशन आपका? सर बेटर रहा, अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है टू मच इज लवली गुड, तो ऐसा नहीं है, मतलब अच्छा है। अभी देखो क्या होगा, आके भगवान की मर्जी, शेफ की मर्जी। तो खाना तो हमने बहुत अच्छा बनाया था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था उसका, और मैंने एक बेबी क्रंची केक बनाया था, क्योंकि केक हमेशा सॉफ्ट होता है, क्रीमी होता है, उसमें व्हिप क्रीम लगाया था, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं आगरा से आया हुआ हूँ स्पेशली दिल्ली ऑडिशन देने के लिए, तो जो मेरा केक था मैंने उसको क्रंच बन करा था ताकि मैं लेके आऊँ तो उसका क्रंच बरकरार रहे, जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं बिस्किट खाते हैं बिस्किट में क्रंच होता है, तो इसलिए मैं एक केक था उसको मैंने क्रंच करा था, गेहूँ के आटे से बनाया था, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको एक चटनी बनाई थी सॉसेज उसके साथ, जो क्रीम की जगह मैंने एक सॉसेज यूज करी थी, तो बहुत अच्छा फ्लेवर था, शेफ़ ने उसको पसंद भी आया, उसने खाया, शेफ़ ने पूछा है कैसे बनाया है इतना क्रंच कैसे है, तो फैमिली के बारे में पूछा, सब सारी चीज़ें पूछी, तो सर अच्छा है, बेटर है सर मेरे लिए। तो अभी इन्होंने कब बोला है कि कब इसका रिजल्ट कब आ जाएगा? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अभी बता सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा एड्रेस है, सारी चीज़ें हैं, तो 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे को ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर जो मेरे को पर्सनल अनुभव है 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे को पता चल जाएगा आई एम सिलेक्टेड एंड नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, तो आपका जो केक था मतलब वो ठीक था अपनी पोजीशन? यस 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 सर। तो अंदर कितने लोग थे वैसे? अभी तो है, अभी मेरे हिसाब से कम से कम 500 लोग हैं अंदर अभी भी हैं। तो ये कब तक चलने वाला ऑडिशन? ये रात के सर 10-11 बज जाएंगे सर, 10-11 बज जाएंगे 10 o'clock सर। तो अंदर मैनेजमेंट कैसा है थोड़ा सा? सर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे में चलो इसकी बात करते हैं, मास्टर शेफ इंडिया की मैनेजमेंट थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी मैनेजमेंट कैसा है इनका? सर एक्चुअली मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा शो है, मैं चीज़ को दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन मेरा ये पर्सनल अनुभव कि अगर मैंने कोई चीज़ गर्म करी है
तो गर्म करके मेरे को तुरंत दिया, 5 मिनट में या 2 मिनट में मेरे को जजेस के सामने पेश कर दिए कर देना चाहिए, मैं उनके सामने प्रेजेंट हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी डिश गर्म करी है, मेरे साथ ही नहीं हज़ार लोगों के साथ हो चुका है ये, और आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मतलब मैंने अपनी डिश गर्म करी, उसके मतलब 1 घंटे बाद मेरा नंबर आया, क्योंकि कोई शेफ 5 मिनट में इंटरव्यू ले रहा किसी से, कोई शेफ 10 मिनट में, कोई 15 मिनट में, तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि ये 5 मिनट में आपको बाहर आना ही आना है, या आपको 10 मिनट दिए जा रहे हैं, आपको 10 मिनट में ऐसा कुछ करना है, तो उनकी चॉइस है सर, हम अपनी नहीं चला सकते जैसा उनको अच्छा लगे, जजेस को शेफ को। चलो हम तो आपसे यही प्रे करेंगे कि आपका जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव में आए, आपके पास कॉल आ जाए कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्टेड हैं और आगे जाएं मास्टर शेफ इंडिया के अंदर, आगे भी ऑडिशन देते रहना यार, पॉजिटिव रहना लाइफ के अंदर। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है कि हम तो इतने सारे शो आते हैं, इतनी सारी कुकिंग करते हैं, तो आई एम अगर सिलेक्टेड तो आई एम हैप्पी, एंड नॉट सिलेक्टेड तो हैप्पी नहीं, तो कुकिंग तो ऐसी चीज है कि आप कहीं पर भी लगाओगे तो ऐसे धड़ल्ले से काम चलेगा। सर सर जैसे पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं है, कितनी भी करिए, कुकिंग की भी कोई अहमियत नहीं है, कभी भी करिए, आप हर जगह देख लिए, कोई समोसे बेक रहा है, चाय बेक रहा है, वो कुकिंग ही एक अपने आप में, तो हर कोई अपना अपना पेट पाल रहा है, और सर ऐसा नहीं कि मास्टर शेफ ही है, लेकिन हम चाहते हैं मास्टर जैसे प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि थोड़ा सा बंदे का फेम, थोड़ा फेम आ जाता है, अगर इसमें सिलेक्ट होते हैं तो एक लेवल उनको मिल जाता है, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट, मुझे भी कई लोगों ने बोला थोड़ा मैनेजमेंट इनको और अच्छा करना चाहिए, बाकी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मास्टर शेफ इंडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर कोई इसमें सिलेक्ट होता है तो अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाता है वो, तो थैंक यू यार हमारे से जुड़ने के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स मास्टर शेफ इंडिया के दिल्ली के ऑडिशंस हो गए हैं ख़त्म, और जो लोग सिलेक्ट हुए थे उनको बेस्ट विशेस, और काफ़ी अरेंजमेंट काफ़ी थोड़ा सा ऊपर नीचे था, और लोग काफ़ी लोगों ने बोला कि पानी का अरेंजमेंट नहीं था, ये हर जगह रहता है ऑडिशंस में, तो ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि गर्मी का टाइम है, पानी वानी का अरेंजमेंट तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। उसके बाद जो डिशेज लोग बना के लाए थे तो वो काफ़ी मतलब इतनी गर्मी में वो सुबह से बना के ले खड़े हैं, उसके बाद उसको फिर जजेस तक जाना, उनको खिलाना, तो काफ़ी ये प्रॉब्लम रही है कि वो टेस्ट जो घर से बना के लाते हैं और वहाँ जब पहुँचता है टेबल तक तो उसमें वो टेस्ट नहीं मिल पाता। और जो दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ पे रही है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया काफ़ी टफ सा है, मतलब अंदर जाने के बाद एक तो काफ़ी उनको बिठाया जा रहा है, बिठाने के बाद उनको मतलब पूरा समझ नहीं आ रहा है, जो पहले से रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं वो पहले आ रहे हैं, तो बहुत समझ नहीं आ रहा प्रोसेस, काफ़ी डिफ़िकल्ट सा प्रोसेस इन्होंने कर रखा है, तो काफ़ी लोग तो बिना ऑडिशन दिए ही बाहर आ गए हैं, तो बस ऐसा था सारा प्रोसेस, आपने वीडियो देख ही लिया लास्ट तक, तो बस इस तरह के ऑडिशन की वीडियो मैं आपके लिए डालता रहूँगा, बस बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करके जाना यार, और नीचे कमेंट करना कि अगली कहाँ ऑडिशन आने वाले हैं, तो मैं वहाँ की वीडियो भी आपको बना के दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।